नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और मेरी YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे आगामी वन रक्षक परीक्षा के लिए। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक परीक्षा अभ्यास पत्र वन रक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साल के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या असम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सर्वाधिक साल के जंगल। अलावा मध्य प्रदेश ये देश का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र के हिसाब से, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे घने जंगल। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है फीमर, रीढ़ की हड्डी, त्वचा या यकृत। और इसका सही जवाब है त्वचा। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जबकि फीमर है सबसे बड़ी हड्डी और यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी या कालाहारी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सहारा मरुस्थल, जो कि है अफ्रीका में। कि गोबी मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क्स हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 नेशनल पार्क। महात्मा गांधी किस वर्ष भारत वापस लौटे थे? ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916 या 12 मार्च 1916। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी को लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस, और इसी दिन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इनकलाब का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु, मोहम्मद इकबाल या गांधी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल, जबकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है तीव्रता, दूरी, ऊष्मा या शक्ति। और इसका सही जवाब है दूरी। आंखों को इनमें से कौन सा रोग प्रभावित करता है? ऑप्शन है ट्रैकोमा, टाइफाइड, स्कर्वी या जॉन्डिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रैकोमा, जबकि टाइफाइड प्रभावित करता है आंतों को, स्कर्वी प्रभावित करता है मसूड़ों को और पीलिया यानी जॉन्डिस प्रभावित करता है लीवर अर्थात यकृत को। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, USA, चीन या फिर रूस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अमृत क्रांति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वेत क्रांति। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ परियोजनाओं से। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है बॉल्फिया, रेफ्लेशिया, मारीगोल्ड या सूरजमुखी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेफ्लेशिया, जबकि बॉल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल है। भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, अमृत कौर, जीवी मावलंकर या बलराम जाखर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर, जबकि अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, जो कि रही थी स्वास्थ्य मंत्री। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है सूर्य, बुध, मंगल या शुक्र। और इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसे ही कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को बोला जाता है, जबकि सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र। संतोष कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। और इसका सही जवाब है फुटबॉल, ऑप्शन सी। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु, ढोला सदिया, यमुना पुल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ढोला सदिया पुल, जो कि मौजूद है ब्रह्मपुत्र नदी पर और लगभग 9.2 किलोमीटर ये लंबा पुल है जो जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और आसाम को, जबकि हिमाचल का सबसे लंबा पुल आ जाएगा यमुना पुल पौटा साहिब में जो मौजूद है। शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली किस राज्य में मौजूद है? ऑप्शन कर्नाटक, केरल या उड़ीसा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, कुफरी, चेन्नई या भुवनेश्वर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुफरी। अमेरिका किस वर्ष आज़ाद हुआ था? ऑप्शन है 1770, 1774, 1776 या 1789। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1776। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था और साथ ही बना था दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश। 2019 गणतंत्र दिवस समारोह के दिन भारत के मुख्य अतिथि कौन से?
और ऑप्शंस है अमेरिका के राष्ट्रपति, कनाडा के राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है थियोफ्रास्टस, डार्विन, पुरकिंजे या अरस्तु। और इसका सही जवाब है थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक, जबकि अरस्तु को जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक और राजनीतिक शास्त्र के जनक के रूप में। शिलारू स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस है फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस या क्रिकेट। और इसका सही जवाब है हॉकी से। और शिलारू स्टेडियम मौजूद है हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट शिमला में और यह हॉकी का एशिया का सबसे ऊंचा मैदान भी है। मायोपिया के उपचार के लिए प्रयोग होने वाला लेंस कौन सा है? ऑप्शंस है समावतल, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। और इसका सही जवाब है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है हाइपरमेट्रोपिया के इलाज के लिए। दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? ऑप्शंस है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। तो दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, जबकि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। पृथ्वी की परत पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शंस है लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। और इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की सतह यानी भूपट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एल्यूमिनियम। और यदि पूछा होता पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा धातु तो आप लिखते लोहा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। और इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है कविराज और भारत का नेपोलियन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है अकबर, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन। और इसका सही जवाब है सम्राट अशोक। तो अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना, जबकि अकबर ने की थी इलाहाबाद शहर की स्थापना। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन है वैशाली, कुशीनगर, बोधगया या सारनाथ। और इसका सही जवाब है सारनाथ यूपी में। तो सारनाथ यूपी में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, जबकि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में और कुशीनगर में हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? और आपके पास ऑप्शंस है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? पहला, दूसरा, तीसरा या गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इसका सही जवाब है न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कुल्लू के दशहरे की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है सिद्धपाल, दामोदर दास, जगत सिंह या साहिल बर्मन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जगत सिंह ने। तो जगत सिंह ने शुरू की थी कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 1650 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लिपा सुरंग, बांदली, किब्बर या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किब्बर, जो कि है लाहौल स्पीति में। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि है कुल्लू में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन है? ऑप्शन है उर्जित आर पटेल, रघुराम राजन, शशिकांत दास या ऋषि कुमार शुक्ल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शशिकांत दास, जबकि ऋषि कुमार शुक्ल है सीबीआई के नए अध्यक्ष। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है काहिरा, बगदाद, अबूधाबी या काबुल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काहिरा, जो कि है मिस्र की राजधानी। किस पौधे को रस्सी बनाने के प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ब्यूल, फेगड़ा, टिम्बर या बान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्यूल। पिरोजा किस पौधे से प्राप्त होता है? और आपके पास ऑप्शन है देवदार, चीड़, काइल या साल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीड़। किस पेड़ को पर्यावरण के दुश्मन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खजूर, कैक्टस, सफेदा या चीड़। और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी सफेदा। तो माना जाता है जहां पर सफेदा होगा वहां पर पानी की कमी होती है और इसीलिए इसे बोला जाता है पर्यावरण का दुश्मन। हिमाचल प्रदेश का दिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सोलन, कुल्लू, चंबा या मंडी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुल्लू। किस युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ? ऑप्शन है बैंडीवॉश का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का पहला युद्ध। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पानीपत का पहला युद्ध, जो कि हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें जीत हुई थी बाबर की और इब्राहिम लोदी की हुई थी हार। और साथ ही साथ अब दिल्ली सल्तनत से सफाया हो चुका था लोधी वंश का।
भविष्य का भंडार गृह किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया। तो एशिया को बोला जाता है भविष्य का भंडार गृह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी या एनी बेसेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्योमेश चंद्र बैनर्जी। जबकि ए ओ ह्यूम थे संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है चमड़ा, खाद्यान्न, बादाम या मसाले। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मसाले। तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन है बाबर, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या अशोक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। प्राकृतिक रंगों का सही युग्म चुनिए, और इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। प्राइमरी कलर्स होते हैं तीन, लाल, हरा और नीला। ऑप्शन सी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमारे रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या कैरोटीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा रक्त होता है लाल। जबकि क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पत्तों में, और मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है हमारी मांसपेशियों में। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? और आपके पास ऑप्शंस है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। हिमालय पर्वत श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजुंगा या लोत्से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे बोला जाता है K2, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट नेपाल में, 8848 मीटर की हाइट में। ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समताप मंडल। मशरूम और गुच्छी यानी मोरकेला किस जीव समूह का हिस्सा है? ऑप्शन ए शैवाल, कवक, फफूंद या ब्रायोफाइट। और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, कवक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा। और स्टडी मटेरियल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।